प्यारे विद्यार्थियों, क्लास टेंथ में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेक्शन फार्मूला में इंटरनल डिवीजन आपको प्रूव करा चुका हूं। एक्सटर्नल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन में हमने बताया कि अगर कोई लाइन सेगमेंट ए बी हो और ए का कोऑर्डिनेट एक्स वन वाई वन और बी का एक्स टू वाई टू हो और एक पॉइंट पी इसको एम वन रेशियो एम टू के रेशियो में डिवाइड करे, तो यक्स का जो सूत्र आपने प्रूव किया एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन अपान एम वन प्लस एम टू और वाई का आपने प्रूव किया एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन अपान एम वन प्लस एम टू। आपने इसको इंटरनल डिवीजन में पी डिवाइड से बी इन एम वन रेशियो एम टू, ए का कोऑर्डिनेट एक्स वन वाई वन, बी का कोऑर्डिनेट एक्स टू वाई टू, पी इसको एम वन रेशियो एम टू के रेशियो में डिवाइड करता है, तो एक्स और वाई का मान अब निकालना सीखे। यदि ए बी का मिड पॉइंट हो जाए, पी क्या हो जाए, मिड पॉइंट, जब मिड पॉइंट हो जाएगा बच्चों तो राइट यहां देखिए पी क्या करेगा, रेशियो क्या बनाएगा, वन रेशियो वन, क्योंकि मिड पॉइंट है तो एपी की डिस्टेंस पीबी की डिस्टेंस बराबर होगी, दोनों में रेशियो वन रेशियो वन। तब आप देखिए एक्स इक्वल टू क्या होगा, एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन अपान एम वन प्लस एम टू है, तो वन इंटू एक्स टू प्लस वन इंटू एक्स वन अपान वन प्लस वन, तो एक्स वन प्लस एक्स टू वाई टू, एक्स वाई इक्वल टू एम वन वाई टू एम टू वाई वन अपान एम वन प्लस एम टू, क्या हो जाएगा वन इंटू वाई टू वन इंटू वाई वन अपान वन प्लस वन, तो वाई वन प्लस वाई टू वाई टू। तो अगर P इज मिड पॉइंट है बेबी, तो P का जो है कोऑर्डिनेट क्या होगा, X1 प्लस X2 Y2 और Y1 प्लस Y2 Y2 मिड पॉइंट के लिए। A का कोऑर्डिनेट X1 Y1 है, B का X2 Y2 है, P इज मिड पॉइंट है बेबी, हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या होगा, X1 प्लस X2 Y2 Y1 प्लस Y2 Y2, क्योंकि इक्वल है तो रेशियो वन हो जाएगा, तो वन इंटू एक्स टू प्लस वन इंटू एक्स वन अपॉन वन प्लस वन, तो एक्स वन प्लस एक्स टू वाई टू वाई वन प्लस वाई टू वाई टू। बच्चों अगली जो है जो आपको जो बताने वाला हूं मैं, कोई भी ट्रायंगल एबीसी है उसकी वर्टिसेस एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री है, तो उसका सेंट्रॉयड जो होगा, सेंट्रॉयड का कोऑर्डिनेट एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री वाई थ्री और y इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री वाई थ्री। तो पहले हम जानेंगे एक सेंट्रॉयड होता क्या है, उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा मीडियन क्या होता है। मीडियन क्या होता है कि कोई भी ट्रायंगल है, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज के किसी वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिला दीजिए, इसी को मीडियन बोलते हैं। यानी कि मीडियन इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग अ वर्टेक्स टू मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। यानी कि मीडियन क्या होता है, मीडियन इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग अ वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। यहां भी देखिए इसके ये वर्टेक्स है, इसके मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड से मिला दीजिए, इसको भी मिला दीजिए। त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है, माध्यिका, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग अ वर्टेक्स टू मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। ये देखिए मिड पॉइंट अपोजिट साइड से मिला दी, इसको भी मिड पॉइंट अपोजिट साइड, इसको भी मिला दी, ये सब मीडियन है। ई डी बी और सी एफ क्या है, मीडियन। थ्री बाई थ्री वाई का क्या होगा, एम वन वाई टू टू इंटू वाई टू प्लस वाई थ्री वाई टू एम टू वाई वन, एम टू मतलब वन इंटू वाई वन अपॉन एम वन प्लस एम टू, एम वन का मान टू प्लस वन क्या होगा, एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन अपान एम वन प्लस एम टू, तो टू से टू कैंसिल हो गया, वाई का वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री अपान थ्री, राइट, समझ गए कि नहीं। फिर से एक बार देखिए, एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन अपान एम वन प्लस एम टू, वाई का एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन अपान एम वन प्लस एम टू, टू इंटू, यहां देखिए फिर से देखिए, देखिए फिर से एक बार समझिए इसको सभी लोग। आप जानते हो डी इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी है,
तो डी इज मिड पॉइंट ऑफ डी सी है, तो एक्स का क्या होगा, एम वन एक्स टू, टू इंटू एक्स टू प्लस एक्स थ्री। टू का काम कौन कर रहा बच्चों, वन इंटू एक्स वन, एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन अपॉन एम वन प्लस एम टू, तो आ गया एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री वाई थ्री। वाई का क्या होगा बच्चों, एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन, टू वाई टू, वाई टू प्लस वाई थ्री वाई टू, एम टू वाई वन, तो वन इंटू वाई वन अपॉन एम वन प्लस एम टू, टू प्लस वन, कुल मिला गया वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री वाई थ्री। इस प्रकार आपने जो सेंट्रॉयड है, केंद्रक, त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक निकालना सीखा, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई थ्री, वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री बाई थ्री।